गाइस अभी हम लोग खड़े हैं SRS पार्क का भी जो बिल्डिंग है उसके जस्ट बगल में रोड पे, तो आप लोग देख ही सकते हैं ये ओपन रोड है खेलगांव। सब सिटी स्टाइल वाला। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो गए, हम लोग भी अच्छे हैं। और स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे एक नए और फ्रेश ब्लॉग पे। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं टाटसिलवे चौक, और टाटसिलवे चौक में ही है SRS पार्क एग्ज़ाम सेंटर है, जो कि आप लोगों का सभी का सवाल रहता है कहाँ पे है और कहाँ है एग्ज़ाम सेंटर। बहुत सभी चीज़ का एग्ज़ाम वहाँ पर होता है, तो आप लोगों को सेंटर देता है, तो सब कोई डाउट रहता है कहाँ पे है कहाँ है नहीं है। तो चलिए आज आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे उसी को, कहाँ पे है और रांची से कितना दूर पर है, कौन सा रोड पे है, कहाँ पे है, कौन बिल्डिंग है, तो सब दिखाएंगे। चलिए आप लोगों के लिए बने रहिए ब्लॉग लास्ट तक और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। गाइस तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यह ग्राउंड, फाइनली तेल वेल वगैरह डलवा के हम लोग निकल गए थे, और रास्ता काफ़ी ज़्यादा जाम था जिसकी वजह से हम नहीं शूट कर पाए, और बहुत ज़्यादा भीड़ और स्पीड गाड़ी सब चल रहा था, बोल के हम नहीं आगे ब्लॉग बनाए। तो चलिए अभी आप लोग कंटिन्यू रहिए, थोड़ी देर में हम लोग टाटसिलवे चौक पहुँचने वाले हैं। तो वहीं है टाटसिलवे चौक से करीब 500 मीटर के दूर पे है, किलोमीटर का तो छोड़ दीजिए बात, 500 मीटर का दूर पे है। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग से कंटिन्यू, चलिए अभी टाटसिलवे चौक का नज़ारा देखें। गाइस तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं टाटसिलवे चौक। आज शुक्रवार है और शुक्रवार को यहाँ बाजार लगता है, हर शुक्रवार यहाँ का बाजार टाटसिलवे चौक का बाजार लगता है यहाँ, तो देखिए इसलिए इतना जाम है। उधर देखिए इस साइड पूरा बाजार लगता है। और ये है दुर्गा मंदिर, बात कर रहे हैं इधर पूरा मॉल सब है देखिए, और इस साइड मार्केट लगता है। इतना भीड़ है कि पूरा पीछे तक जाम। और यहाँ पर बिट बंगला को बता देना कहाँ पर है बिट बंगला, ये गली। और गाइस इधर बता दो राइट साइड में, तो देखिए इधर बिट बंगला, टाटसिलवे का फेमस गली बिट बंगला। यहाँ पे आपको मोबाइल फोन से लेकर सारे चीज, मतलब इलेक्ट्रिक का सामान बन जाता है आप लोगों को, नया मिल भी जाएगा। ये गली बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे डांस क्लास और कोचिंग क्लास वगैरह सब चीज बहुत ज़्यादा है, इसका नाम है बिट बंगला। मेरा पानी दे देने दी तो अभी हम लोग बैंक मोड़ पहुंच गए हैं। ये बैंक है यहाँ पे, इसलिए बैंक के हाँ है, ये बैंक है यहाँ पर देखिए, इसलिए इसको बैंक मोड़ बोलते हैं। ये बैंक है जब आप ले, इस साइड भी बैंक है दिखाई, हाँ उधर देखे वहाँ पर। हाँ तो यार गाइस अभी हम लोग आ रहे थे गुल्ली पोखर, दिल्ली मुरी वाला रास्ता से गुल्ली पोखर होके मतलब नामकुम की ओर से, तो हम लोग को जाना है यहाँ से राइट साइड खेलगांव साइड में, खेलगांव आप लोग आए होंगे तो खेलगांव साइड में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं चौक, ये चौक है, तो यहाँ से हम लोग को इधर राइट साइड में मुड़ जाना है इधर। तो यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 500 मीटर जैसा दूरी है, तो आप चलिए बने रहिए ब्लॉग पे और चलते हैं आगे हम लोग। बुटी मोर खेलगांव स्टेडियम, मतलब खेलगांव जाता है वो रास्ता है, उसे में आगे जाना है। इधर भी साइड साइड में स्टॉल लगता है। इधर आइएगा तो आप लोग यहाँ पे CNG का पेट्रोल पंप मिल जाएगा, ये हाल फिलहाल में ओपनिंग। Thank you.
गाइस तो अभी हम लोग पूरा मतलब करीब है SRS के। हम लोग पहुंच ही चुके हैं SRS के पास। तो यार गाइस अभी हम लोग फाइनली जो है SRS पार्क के पास पहुंच चुके हैं और बिल्कुल हम लोग SRS पार्क के बिल्डिंग के बगल में खड़ा है, तो आप लोगों को चलिए दिखाते हैं SRS पार्क का बिल्डिंग। तो ये जो आप लोग को बिल्डिंग दिख रहा है क्रीम कलर का, यही बिल्डिंग है SRS पार्क का। अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम है तो आगे में भीड़ नजर आ रहा होगा आप लोग को, वो देख सकते हैं कार वगैरह सब लगा हुआ है। अभी शाम का टाइम है, 6 बज रहा है अभी, तो अभी कौन सा एग्ज़ाम नहीं पता है या फिर नहीं है एग्ज़ाम, तो यहीं पे होता है एग्ज़ाम। यहाँ पे एग्ज़ाम के दिन पूरा भीड़ रहता है, गाड़ी वाड़ी भी खड़ा करने का वैसा जगह नहीं बचता, पूरा भीड़ रहता है इधर। ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं कच्चा वाला, उसमें और इसमें अंदर में भी स्टैंड बनाया हुआ है इधर, लेकिन उसमें भी गाड़ी वाड़ी नहीं अटता है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है। और ये बिल्डिंग पहले था 1 तल्ला, अब देख सकते हैं आप लोग 4-5 तल्ला हो गया है, तो बहुत बड़ा। चलिए आप लोग थोड़ा सा आगे चल के दिखाते हैं। और अगर बात करेंगे यहाँ पे रुकने का ठहरने का, तो आप लोग को रूम वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे बैग वगैरह रखने का सारा व्यवस्था है, सब दुकान दुकान में है देख सकते हैं, जैसे रोहित होटल है, यहाँ पे आप लोग नाश्ता वास्ता भी कर सकते हैं और रूम वूम का सारा व्यवस्था है। ये बिल्डिंग सब कुछ नहीं था कुछ दिन पहले, अभी हाल में ही सब बनाई है एग्ज़ाम सेंटर खुलने के बाद, तो यहाँ पे रूम वगैरह सब मिल जाएगा। और वैसा ज़्यादा कुछ रेट भी नहीं है, आपको करीब वही 800 से 1000 के बीच मिल जाएगा नॉर्मल रूम, और AC वाला आपको पड़ जाएगा 1200 से 1500 के बीच। वहाँ पे भी देख सकते हैं कि लाइट दिख रहा होगा आप लोग को, वो बड़ा सा फ्लैट, उसमें भी आप लोग को रूम मिल जाएगा। चलिए चलते हैं आगे थोड़ा सा। गाइस तो अभी हम लोग पीछे से जा रहे हैं SRS का, देखिए ये पीछे का गेट है शायद ये वाला, यहाँ पे ये सब पार्किंग का एरिया है, ये सब पूरा पार्किंग का एरिया है। देखिए वो SRS बिल्डिंग है, अभी भी शायद एग्जाम चल रहा है तो सब वेट कर रहे हैं, आधा कोई आधा को एग्जाम। ये सारे रोजगार सृजन कार्यालय, इधर बसेस खड़ा है और ये बिल्डिंग है, देखिए यहाँ सब गार्ड उड है शायद, ये सब हाँ गार्ड उड है। देखिए एग्जाम से निकल रहा है सब कोई, यहाँ पर इतना जाम भीड़ आ गया, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है ना, मतलब ख़त्म होगा शायद, इसीलिए इतना ऑटो वाला सब है। इधर भी सब गाड़ी पार्क किया है, ब्रेड बनता है देख सकते हैं। इसका नाम है एरिया का, मतलब जहाँ पे SRS पार्क है उसका भी रियाडा नाम है, रियाडा से वो आ सकते हैं, रियाडा जाना है टाइडसिले वाला रियाडा तो आ जाएगा, लेकिन रियाडा भी दो है, जयपुर में भी है कि ये है। गाइस अभी हम लोग खड़े हैं SRS पार्क का भी जो बिल्डिंग है उसके जस्ट बगल में रोड पे, तो आप लोग देख ही सकते हैं ये ओपन रोड है खेलगांव और टाइट सिलवे वाला, खेलगांव टाइट सिलवे मार्ग, तो यही बिल्डिंग जो है ये वाला बिल्डिंग यही है SRS पार्क बिल्डिंग, यहीं पे एग्ज़ाम होता है सारा चीज़ का। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से आप लोग को सेंटर देता है, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, सब जगह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लू कलर का बिल्डिंग, ये भी अभी हाल फिलहाल नया ही बना है, इसमें आप लोग को बॉर्डर दिख रहा होगा पोस्टर, ठहरने का उत्तम प्रबंध वही लिखा हुआ है ना, हाँ वो मोबाइल नंबर वगैरह सब है। तो यहाँ भी आप लोगों को रूम नॉन AC और AC सब मिल जाएगा आप लोग को, वही जितना रेट बताया 1000 से 1500 तक के बीच सारा मिल जाएगा। और उधर बगल में एक और बिल्डिंग है बड़ा सा, उसमें भी। और दुकान दुकान का बात किया था, यहाँ पर दुकान दुकान आपको सारा व्यवस्था है, खाने पीने का भी सारा, होटल वेटल छोटा छोटा स्टॉल वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। और ऑटो वाला का तो यहाँ पे कभी कमी नहीं रहता है, आप लोग को टांगते फिरेगा लेके अगर आप एग्ज़ाम लेके निकलते हैं, और ऐसे करता है देख ही सकते हैं। अभी एग्ज़ाम हो रहा है शायद कुछ चीज़ का, लेकिन उतना ज़्यादा अभी भीड़ नहीं है, फिर भी आप लोग बाइक वाइक देख ही सकते हैं। अभी शाम का 6:30 लगभग हो रहा है टाइम, फिर भी देखिए अभी भी इतना गाड़ी है, उस साइड में भी लगा हुआ था। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और दुकान वगैरह आप लोग को दिखा देते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर वापस हम लोग।
बहुत कोई को आप लोगों को डाउट रहता है कि कहाँ पे है एसआईएस पार्क, एसआईएस बिल्डिंग, बहुत कोई डाउट हो जाता है कि कहाँ पे है, तो यहीं पे है टाटसिले चौक से जस्ट 500 किलोमीटर पे, 500 मीटर पे। तो चलिए आप लोग बने रहिए, आज आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा, यही है एसआरएस पार्क। और एसआरएस पार्क का मतलब ये नहीं कि आप लोग समझ लीजिए एसआरएस पार्क घूमने का जगह, ये एग्जाम सेंटर है और बिल्डिंग है, इसका नाम है। गाइस तो देखिए यहाँ पेन पेंसिल बुक वुक मतलब सब कुछ मिलता है, यहाँ बैग वुक रखने का सीधा है, वो सब सारा रूम वूम सब कुछ है। होटल वेटल आप लोग खाने पीने का पूरा व्यवस्था रहता है, देख सकते हैं आप लोग। ये बिल्डिंग सब रेंट में देने के लिए बन रहा है ये सब, क्योंकि यहाँ इतना एग्जाम ही सेंटर मतलब इतना है, आदमी को आता है कि रहने का जगह ही नहीं मिल पाता है। आप लोग गाड़ी मिल जाता है, आप लोग पेड़ पौधा खरीद सकते हैं। देखिए वो है टाटा सिल्वर चौक, यहाँ से देखिए यहाँ से पूरा दिखता है टाटा सिल्वर चौक। और दिखा दो ना वो बॉर्डर जो पोस्टर लगा हुआ है, तो जूम करके बस दिखा दो, बस तो जाने का भी कब तक दूर है। देखिए वो है टाटा सिल्वर चौक जो ब्लू ब्लू लगा हुआ है बोर्ड, वही तो आप लोग को अभी हम दिखाएं कि अगर हम लोग ओनली पोखर साइड मतलब सिल्ली मोरी साइड से अगर आ रहे हैं तो किधर जाना है, वहाँ से आपका आप लोगों को राइट मुड़ना है, और अगर नामकुम से आ रहे हैं उधर से तो आप लोग को लेफ्ट मुड़ना है होगा। और अगर आप लोग ट्रेन व्रेन से कहीं से आ रहे हैं, कहीं से मतलब ट्रेन से धनबाद बोकारो से आइएगा, तो आप लोग को जरूर ट्रेन व्रेन से ही आइएगा, तो आप लोग को उसके लिए फिर रास्ता हम दिखाते हैं। चलिए आप लोग ब्लॉक बने रहिए कंटिन्यू, उसके बाद करेंगे हम लोग ब्लॉक को इन, तो अभी आप लोग बने रहिए। फिलहाल हम लोग को मेडिकल स्टोर में कुछ काम है थोड़ा, तो यहाँ से सामान वगैरह खरीदते हैं जो भी, उसके बाद चलते हैं आगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉक पे लास्ट तक, ब्लॉक को एंजॉय कीजिए। गाइस तो अभी हम आप लोग को दिखाए थे दुर्गा मंदिर, तो उधर से हम लोग को इधर लेफ्ट की ओर जाना है। देखिए ये वाला रास्ता, इधर से हम लोग आए थे और इधर से हम लोग को इधर जाना है। देखिए इधर भी कुछ कुछ सामान, कपड़ा उपड़ा, यहाँ दुकान राशन दुकान सब है। ये इधर से भी एक रास्ता जाता है नीचे, उधर से अगर आप रांची साइड से अगर आ रहे हो, उधर क्या क्या है ये भी स्टेशन है, यहाँ पे भी उतरते हैं। हाँ यहाँ पर भी ये भी है स्टेशन, और एक स्टेशन निकल के जाना होगा आप लोग को, आप जैसा बताएं फिर आगे जाकर राइट मुड़ना होगा, हो गया यही है स्टेशन और रास्ता अभी से। और ये है स्टेशन वाला रास्ता, देखिए तो गाइस यही है हमारा टाइट सिल्वे स्टेशन का रास्ता, एक स्टेशन वहाँ पे आगे में है और एक इधर है, मतलब यहाँ पे डाउन और अप दोनों अलग अलग है। अगर रांची से आ रहे हैं तो अलग जगह आप उतरेंगे, और इधर धनबाद बोकारो से आ रहे हैं तो अलग वाला स्टेशन पे उतरेंगे, लेकिन रास्ता दोनों का एक ही है। तो चलिए यहाँ से हम रिटर्न चलते हैं। तो गाइस यही है टाइट सिल्वे स्टेशन हमारा, तो आप लोग यहाँ पे उतर के उधर बगल से एक मतलब पुल के वगैरह सीढ़ी वगैरह दिया हुआ है, तो उधर से भी आप जा सकते हैं, तो आप लोग सीधा जाइएगा वहाँ से, और यहाँ से फिर आइएगा अगर ये वाला रास्ता, तो फिर इधर से आके आप लोग को जाना होगा ही दुर्गा मंदिर वाला चौक, वहाँ से फिर आप लोग को सीधा जाके आगे तो राइट, बस वही आप लोग पहुँच जाएंगे सर पार्क। चलिए अभी चलते हैं आगे, यहाँ से ये रास्ता आप लोग ले जाएगा दुर्गा मंदिर के पास। गाइस तो हम लोग फिर से आ गए हैं चौक, जैसे कि हम बताए कि वो दुर्गा मंदिर है, तो यही दुर्गा मंदिर है। अभी हम लोग मार्केट में कुछ सब्जी वगैरह लेना था, हाँ अभी मुक्को बाइक वगैरह स्टैंड कर दिए हैं, अभी हम लोग जाएंगे मार्केट, हम लोग कुछ कुछ सब्जी वगैरह लेना है। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए और देखिए ब्लॉग, तो देखिए ये दुर्गा माँ है, इधर हम लोग मार्केट का रास्ता में जा रहे हैं, इधर देखिए यहाँ से ही मार्केट लगना स्टार्ट हो गया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अभी हम लोग बाज़ार पहुँच चुके हैं, और हल्का हल्का बारिश भी स्टार्ट हो चुका है, हम लोग तो छाता वगैरह कुछ भी लेकर नहीं आए हैं। तो देखिए आप लोग टाटा सिल्वे का शुक्रवार बाज़ार,
यहाँ पे देख सकते हैं फल वगैरह भी बिक रहा है, देख सकते हैं सबसे सब्सिडी स्टाइल वाला। चलो हमको तो गाइज मम्मी हम लोग को अभी बाजार भेजी थी स्पेशल मूली का रेट पता करने के लिए, क्योंकि हम लोग का अभी मूली बारी पे लगा हुआ है तो वो अब तैयार हो गया है, तो उसी को बेचने के लिए ले जाएगी शायद, तो रेट पता करने बोली थी। तो आइए पता करते हैं दो चार जगह कैसे दे रहा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे चूड़ी वगैरह का दुकान भी लगा हुआ है, अभी और आगे चलते हैं इनसे भी पूछते हैं। तो यहाँ पे सभी कोई 20-20 करके बोल रहा है, मतलब 20 रुपये के जी है मूली अभी बाजार पे टाटा सिल्वे का। तो दोस्तों हम लोग को बाजार से ज्यादा कुछ तो लेना कुछ नहीं था, तो हम लोग लिए सिर्फ मिर्चा यहाँ से और निकल पड़े वापस घर के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे मग वगैरह भी मिल रहा है, साबुनदानी वगैरह सब। तो आगे में देख सकते हैं बूट भुंजा बाजार में जो कि मिलता ही है, बहुत कोई घर भी जाता होगा ले जा देते हैं मम्मी पापा लोग बूट भुंजा। और ये काजू नीमकी नमकीन वगैरह सबका दुकान यहाँ पे लगा हुआ है, चलिए चलते हैं गाइस। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए घर, तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।